प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही कांकेर को नई रेलवे लाइन की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन की शुरुआत की। इस दौरान अंतागढ़ रेलवे स्टेशन में क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी और क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग मौजूद रहे। इस नई रेल सेवा को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह का माहौल देखा गया। पीएम मोदी की सौगात के बाद लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनित सक्सेना ने। आज अंतागढ़ में बहुत बड़ी एक सौगात है केंद्र शासन के द्वारा, यहाँ पे रेलवे के द्वारा आज अंतागढ़ से रायपुर के लिए ट्रेन चालू करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रायपुर पहुंचे हैं, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज रेल का उद्घाटन होगा, हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ से रेल पलायन करेगी रायपुर को। मैं सबसे पहले तो आपको ट्रेन के अंदर भी दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार ट्रेन में तैयारियां पूरी की गई है। लोग यहाँ पे यात्री है, बड़ा अच्छा एक माहौल है, लोग खुश हैं कि यहाँ पे हमको सफर तय करना है। और कुछ यहाँ पैसेंजर भी बैठे हुए, हम उनसे भी बार चर्चा कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप रायपुर जाएंगे? जी मैं रायपुर। कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आप रायपुर का सफर करेंगे, क्योंकि अंतागढ़ में वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है, आज वो सपने आपके साकार होते हुए नजर आ रहे हैं? अत्यंत हर्ष का विषय है हमारे अंतागढ़ वासियों के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमको अंतागढ़ से सीधे हमारे राज्य की राजधानी से जुड़ने के लिए एक हमारे लिए नई ट्रेन का सौगात दिए हैं। मतलब मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज हमको यहाँ से डायरेक्ट राज्य की राजधानी में जुड़ने के लिए एक नया रेल का सौगात दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब हम सीधे सीधे, हमको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। कम रुपयों में, मात्र 75 रुपये किराया अंतागढ़ से रायपुर के लिए। पहले बसों में जाया करते थे, लगभग 250-300 रुपये किराया लगता था, समय खराब होता था। अब हम यहाँ से सीधे बैठेंगे, रायपुर पहुँचेंगे 4 घंटे में, अपना काम निपटाएंगे, वापस इसी ट्रेन से फिर वापस आ जाएंगे। इस खुशी की लहर का बखान नहीं किया जा सकता, मगर क्षेत्र की जनता यहाँ उपस्थित है, सबके चेहरे में खुशी है, सब खुश है इस रेल सुविधा से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सौगात हमारे भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है, इस विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज करीब 25-30 साल पूर्व हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, आवागमन की सुविधा चाहने के लिए, रेल सुविधा चाहने के लिए भी कई प्रकार किसी कभी कभी धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते रहे हैं सरकार को, और उसी का परिणाम है आज जो कार्य रूप में परिणित हुआ है। उसके लिए मैं हमारे सांसद महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी और हमारा सहयोग प्राप्त हुआ है। जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, विकास की तस्वीरों को देखा जा रहा है। खैर 2023 का चुनाव है, लेकिन राजनीतिक अपनी जगह होती रहेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन जनता और जनार्दन जिस प्रकार के सपने तराश रही थी, वो सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर देखना होगा कि सरकार जो लगातार काम कर रही है, बेहतर तरीका है, लेकिन जनता और जनार्दन के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। विनीत सक्सेना, टीवी 24 के लिए उत्तर बस्तर संभाग है।